आप लोग, आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत पहले हमने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं और तब हम बैठे हैं आपसे बातें करने के लिए। तो बहुत सारे काम में ये था कि वेजिटेबल क्लीन करके रखना था, तो वो मैंने कर लिए हैं बहुत सारे, और उसके बाद में चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी था वो हमने कर लिया है। एंड अभी हमको, मतलब मुझे ही नहाना है, पीयू नहा चुकी है तो नहाना है और रेडी होना है। और आज मैं आप लोगों को लेकर के चलने वाली हूँ कुछ स्पेशल जगह पे। मतलब स्पेशल इसलिए कि मैं तकरीबन एक साल के बाद में मैं कटवाने वाली हूँ अपने बालों को। और जैसा कि आप सबको मैंने एक बार शेयर भी किया था, पूछा भी था, बट किसी ने मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया यार। तो चलो मैं देखती हूँ कि क्या करवाती हूँ, कुछ तो करवाना है तो क्या करवाती हूँ वो देखती हूँ। हेयर कट बेसिकली करवाना है, पर कौन सा स्टाइल ये सब पता नहीं, तो ये करना है। और जल्दी से घर आना है, कुछ ना कुछ कुक करना है इवनिंग के लिए, क्योंकि कल हमको निकलना है कहीं पर। तो यस, उसी की तैयारी चल रही है। चल क्या रही है, उसी की तैयारी नहीं चल रही है। ये काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कट करवाएंगे, तो मेरा और पीयू दोनों का करवाने वाले हैं। और आज है सैटरडे, तो इतनी भी हड़ी नहीं होती है सैटरडे को, लेकिन कल सुबह जाना है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अब मेरे बालों की हालत देखो कैसी हो रखी है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं लग रही हूँ कुछ इस तरीके से। और ये मेरे लंबे बाल जो कि आज कटने वाले हैं। सो यस, और चलिए अभी निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 2:45 हो चुके हैं गाइस। सो कड़कती हुई धूप है, गर्मी है, पता नहीं कैलकटा में ठंड क्यों नहीं आती है। बट अगर आप किसी का व्लॉग देखो और उसमें देखो कि लोगों ने मफलर जैकेट पहन के रखा हुआ है ना, तो प्लीज़ मिसगाइड मत होना कि यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। लेकिन पता नहीं लोगों को इतनी ठंड क्यों लगती है यहाँ पे, बट यहाँ गर्मी है यार, आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। और ये हो गई है पीहू भी रेडी, पीहू के भी आज हेयर कटने वाले हैं। तो हम और पीहू कहाँ पहुँच चुके हैं? पीहू एक्सिस मॉल। हम और पीहू एक्सिस मॉल पर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पे तफड़ी करेंगे। हम यहाँ पे मजे करेंगे, डेटिंग करेंगे, मदर डॉटर डेटिंग। यस बेबी। लड़की को देखो, यहाँ पे भी बैठ के शुरू हो गई है, देख रहे हो आराम से। और ये है हमारी खरीदारी, ये चार पिल्लो हमको फ्री में मिले हैं, है ना? ये 4 पिल्लो जो है हमको फ्री में मिले हैं इसके साथ में, ये कंफर्टर के साथ। तो मम्मा आपको कहाँ जाने का मन कर रहा है? जाने का मन कर रहा है? मैंने बोला आपको कहाँ जाने का मन कर रहा है? हाँ, जबरदस्ती हमारे जगह पे आके बैठ गए तुम? नहीं बाबू। हाँ ये बताओ कि ये जो आप आके बैठ गए हो यहाँ पे, और ये रहा मेरा न्यू हेयर कट। मैंने जस्ट जो है जैसे पहले एक करवाया था वैसे ही करवा लिया है, और ये ना ऐसे मुड़ जा रहा है। तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। हाँ, और मैंने और पीहू ने सेम ही करवाया है, तो या ऐसे ये थोड़े से मुड़ कैसे सेट किया ना उस बंदे ने, पता नहीं, इधर के थोड़े से अलग लग रहे हैं, इधर के थोड़े से अलग लग रहे हैं। इस बार मुझे मज़ा नहीं आया यार हेयर कट करवा के, पहले अच्छा था। अभी झटपट से लगते हैं तैयारी में, कल की 7:30 हो गए हैं और मुझे जो है जल्दी से खाना बनाना है कुछ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज है नेक्स्ट डे, और अभी मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ मेरा एग और वेज सैंडविच। और तबीयत आज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से घर से इतने प्रिपेयर कर रही थी कि कहीं जाना है कहीं जाना है, वो हो नहीं पाया। तो पिनाकी अकेले गए हैं, एक्चुअली आज मेरी ननद की थी एनिवर्सरी,
तो हमको उसमें जाना था बट हम जा नहीं पाए, और पीहू को भी मैं भेज नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यस वो गए हैं, और अभी पता है 4 बज रहे हैं और मैं अभी कहा रही हूँ पर स्टिल मुझे ना भूख नहीं है, मतलब खाने का मन नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा जो है खुद को सही करने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि नहीं खाऊंगी तो फिर मेरे काम तो मुझे ही करने हैं भाई, तो और कोई तो करने वाला है नहीं, तो वो करना ही पड़ेगा। और एक्चुअली ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एनीवे तो ये थोड़ा सा सैंडविच खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो रुक रुक के जो पेन होता है ना वैसा टाइप हो रहा है, और बहुत रेस्टलेस लग रहा है। मुझे ऐसे हो जाता है, मैं जब थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब होती है ना तो मुझे जल्दी से ना उससे भी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। मुझे कुछ अगर फीवर हुआ या कुछ भी तो उससे भी जल्दी मुझे होता है ना कि मुझे मेरे सिर चक्कर आने लगते हैं, आँखों के सामने अंधेरा होने लगता है, तो मुझे वो वाला प्रॉब्लम से मैं ज़्यादा जूझती हूँ। अभी भी स्टिल पेट दर्द से मुझे शायद इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारा अनईजी फील हो रहा है, तो उससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। और कल सारे कुछ कर लिए, मेरे हेयर कट कर लिए, तो बताओ कैसे लग रहे हैं। अब सोच रही होंगे इस पर रेड कलर करवा लो फिर से, क्योंकि कलर ना पूरा चला गया है। यही होता है, कलर एक बार करवा लो ना तो आपको चस्का लग जाता है। अभी नहीं करवाऊंगी, कुछ दिन के बाद करवाऊंगी, क्योंकि मुझे हेयर कट से ना मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं। तो यस, और सारे प्रिपरेशन ऐसे ही रह गए, मैंने कपड़े भी खरीदे थे कि पहनूंगी, मेरे पास में इतने कपड़े ज़्यादा नहीं होते तो मैंने खरीदे थे कि मैं वहाँ पे जाके पहनूंगी, पर हो नहीं पाया। एनीवे चलो, इस ब्लॉग को ना मुझे ज़्यादा जो है खींचने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मिलेंगे कुछ एक्साइटिंग वाले, जिस दिन मेरी तबीयत ठीक रहेगी उस दिन मिलती हूँ आप लोगों से। तो आई होप आपको ये ब्लॉग जो है पसंद आया होगा, और मेरे हेयर स्टाइल कैसे लगे, पीहू के हेयर स्टाइल कैसे लगे वो भी बताना जरूर नीचे कमेंट करके। और अपना प्यार यूं ही बना के रखिए, और अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के खुशियां मनाइए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।